काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है और आंधी आ रही है लगभग। आज मैंने साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही करी है तो आंधी आएगी और मैंने जो सफाई की है उसका बंटा डार करने के लिए। अभी शाम के 5 बजे हैं। रोज़ इस समय आती है बरसात 3-4 दिन से और आज आ रही है आंधी, तो बहुत ही डस्ट है वो ऊपर हो गई है और ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत तेज और बहुत दूर से ये आंधी चली आ रही है। मैं आई हूँ छत पर कपड़े लेने के लिए, सुबह कपड़े धोए थे तो ले जाती हूँ मैं कपड़े उतार कर। रोज़ इस समय बरसात आती है और आज आ रही है आंधी के बादल हो रहे हैं साथ में, तो हो सकता है बरसात भी आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल आंधी आ रही है। शाम की बजी है अभी 5। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। सुबह उठते ही चाय पानी पीने के बाद झाड़ू लगाई घर में और उसके बाद सीधे ही मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए मशीन में, और कपड़े धोने का काम लगभग 2-2.5 घंटे चलता रहा। साथ में ही मैंने खाना भी बनाया और सफाई पोछा पाछा फिर लगाया मैंने बाद में। और ये काम इतना करते करते मुझे बज गई आज 1 बजे के बाद। नहा धो के खाना खाया और उसके बाद घंटा भर के लिए आराम किया, और आराम करने के बाद शाम को अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ आंधी आई थी तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, लग रहा था जैसे कि आज तो बहुत ही धूल भरी आंधी आने वाली है, लेकिन हल्की आंधी आकर रह गई, ज़्यादा तेज़ आंधी नहीं आई। और अमूमन ऐसा होता है कि मैं जब बहुत ही अच्छे से सफाई करती हूँ तो आंधी आती है और जो सफाई की हुई है उसका बंटा डार हो जाता है, तो आज ऐसा तो नहीं हुआ। मैंने खूब मन लगाकर आज झाड़ू सफाई की थी लेकिन आंधी ने लाज रख ली, सफाई वैसी की वैसी पड़ी है। थोड़ा बहुत बाहर ही रेत आया था उसको हटा दिया मैंने। और अभी शाम के बज चुके हैं 7 और मैं बनाऊंगी अभी शाम का खाना भी। मौसम हो रहा है अभी इस समय बहुत ही अच्छा, न आंधी है न बरसात है, बहुत ही शानदार मौसम। पक्षी हैं ये उड़ रहे हैं चारों तरफ, चहचहाट की आवाज़ आप सुन सकते हो, पक्षियों के चहकने की आवाज़ें आ रही है। आज दिन भर मुझे अकेले ही काम करना पड़ा क्योंकि वो रहते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो आज किसी काम से बाहर चले गए थे तो दिन भर मुझे अकेले को ही काम में लगे रहना पड़ा। और काम भी काफ़ी किए मैंने आज, काम करने भी ज़रूरी थे क्योंकि कल से स्कूलें खुल जाएगी, फिर जल्दी से टाइम नहीं मिलेगा झाड़ू सफाई के लिए। तो ये तो एक रूटीन ही होता है कि जैसे ही स्कूल खुलती है, लास्ट छुट्टी का दिन होता है तो एक बार सारे घर की अच्छे से सफाई, कपड़े लत्ते धोना, सबको जचा के अच्छे से रखना, ये एक रूटीन वर्क सा होता है ऐसे। और अब सारे कपड़े लत्ते मैं समेट के रख के सब जचा के आई हूँ ऊपर, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, अभी मौसम अच्छा हो रहा है सुहावना, हवा के झोंके से आ रहे हैं, वैसे हवा नहीं है लेकिन हवा के ठंडी ठंडी झोंके से आ रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी कल सुबह स्कूल है तो
सुबह की तैयारियां शाम से ही शुरू करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ करके रखना पड़ता है, तब जाकर सुबह समय पर हम स्कूल जा पाते हैं। जो लोग दूर दूर के हैं वो तो आज ही अपने गंतव्य स्थल पर, जहाँ पर पोस्टिंग है, वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारी तो स्कूल पास नहीं है, इसलिए हम तो वही घर से ही आना जाना करते हैं। इसलिए ये टेंशन तो नहीं है कम से कम कि कहीं दूर जाना है घर से। जिनकी पोस्टिंग दूर है वो लोग बसों में भर भर के कई अपने साधन से पहुंच चुके हैं अपने अपने स्थानों पर। हमारे स्कूल में भी जो स्टाफ दूर के हैं वो आ चुके हैं पहले ही, जिनकी छुट्टियां थी उन्होंने छुट्टियां ले ली, और जिनकी छुट्टियां नहीं थी वो 24 तारीख से ही आ गए, और कल से तो सबको स्कूल टाइम पर पहुंचना ही है। तो आपसे बातें करने का बहुत मन होता है और बहुत अच्छा लगता है YouTube पर इस तरह से आना। और प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखिए, और प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। वैसे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा और सहयोग कीजिए तो और थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। और वैसे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मनोबल बढ़े इसके लिए प्लीज़ आपका सहयोग अपेक्षित है। तो आज अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी आंधी आई थी, तो मैं कह रही थी कि आज तो आंधी आएगी तेज और सारी की सफाई है वो ख़राब हो जाएगी। तो आंधी तो थोड़ी आई और थोड़ी देर में ही बरसात आनी शुरू हो गई, तो भाई मेरी भविष्यवाणी भी आज की गलत हो गई। मैंने कहा आज तो बरसात नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी ही देर में बरसात आ गई। तो बरसात से भी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, और मिलते हैं हम अगले कल लोग में एक नए वीडियो के साथ है। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी वीडियो देखने के लिए, अपना बहुत ही कीमती समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।